चुनावी डिश में बयानबाजी का तड़का ना हो तो फिर स्वाद बेस्वाद लगने लगता है, लेकिन अगर यही तड़का जरूरत से ज्यादा पड़ जाए तो फिर पूरी डिश ही खराब हो जाती है। जी हां, आज बात इन्हीं बयानों की होगी। नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। चुनावी जंग में आरोपों के तरकश भी हैं और तरकश में बयानों के तीर भी, जिन्हें हर कोई आजमा रहा है, हर कोई परख रहा है। साम, दाम, दंड, भेद, वो मंत्र जो इच्छा शक्ति और इरादों को किसी भी तरह मुमकिन बनाने के लिए काफी है, और शायद इसी का असर 2014 की महाभारत में हरियाणा के सियासी योद्धाओं पर भी पड़ने लगा है। कोई पागल कह रहा है तो कोई मुजरे की बातें कर रहा है। मुख्यमंत्री आजकल जो बयान दे रहे हैं, जिस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी किसी ना किसी हॉस्पिटल में या तो अमृतसर जा सकते हैं या आपके कौन सा है वहाँ पे आगरा में भी जा सकते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सूबे के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पागल करार दिया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि सोनिया गांधी के दरबार में सीएम हुड्डा मुजरा करते हैं। ये बयान बतलाते हैं कि प्रदेश में सियासी अखाड़े को जीतने की जंग कितनी तेज हो चली। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या सत्ता की चाहत में मर्यादाओं को भूल बैठे हैं नेता? इन तमाम सवालों के साथ एक सवाल ऐसा भी है जिसकी चर्चा हर बार की जाती है कि क्यों हर बार चुनाव आते आते इस तरह की बयानबाजी तेज हो जाती है। बहरहाल, ये मुद्दा जहां गंभीर है वहीं राजनेताओं और पार्टियों की मानसिकता को भी दर्शाता है। ऐसे में फैसला जनता को लेना है कि वो किस तरह के नेता को चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या सत्ता की चाहत में मर्यादाओं को भूल बैठे हैं नेता? ये सवाल आज इवनिंग रिपोर्ट में उठ खड़ा हुआ है। बेतुकी बयानबाजी और वो जो निम्न स्तर का, जिसको कहा जाता है बयानबाजी का जो निम्न स्तर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सुर्खियों में बने रहने की कवायद है या फिर अब आखिरी जरिया ऐसी ही बयानबाजी बची है? चुनावी माहौल है, समझा जा सकता है, बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन बयानबाजी का ये स्तर वाकई में गंभीर है, सोचनीय और चिंतनीय भी है अपने आप में। जगमोहन आनंद बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है सीएम हुड्डा को लेकर, कोई कहता है कि आगरा भेज देना चाहिए पागल खाने में, तो कोई कहता है कि वो सोनिया गांधी के दरबार में मुजरा करते हैं। क्या लगता है, इस तरह की बयानबाजियां ये हल्की बयानबाजी नहीं है? देखिए, दोनों तरफ अगर वो इस प्रकार से आशय हमारे पर लगाते हैं, इस प्रकार के नरेंद्र मोदी जी को जी अगर वो खूनी बोल सकते हैं, हत्यारा बोल सकते हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकती है, तो प्रधान सर्व में इस प्रकार की बात दूसरे लोग अगर बोलते हैं तो आज उनको तिलमिला जाते हैं। देखिये, बयानों को अगर इस प्रकार से थोड़ा सा पर्टिकुलर तोड़ बरोड़ करके दिखाया जाए तो वो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी। असल में क्या है कि अपना मैसेज देने के लिए आज अगर बयान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बयान देते हैं तो उसको इतनी सीरियसली कितना मतलब इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने कोई बयान। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। राजीव जेटली इनेलो से जुड़ गए हैं। जेटली साहब, आपके नेता हैं अभय चौटाला, जिनको जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री की बयानबाजी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी अस्पताल या फिर पागलखाने में भर्ती हो जाना चाहिए। बिल्कुल जायज सी बात है। हाँ, कि आप एक संवैधानिक पद के हैं जी, एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। लगभग पिछले आप देखिए 20-22 दिन से विकास के प्रचार, विकास की बातें, विकास के नारे, जो झूठे प्रचार, झूठी बातें और झूठे नारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने
अलग अलग मंचों के जरिए चला रखे थे वो बंद कर दिए हैं। लेकिन राजीव जेटली से मंशा को लेकर कोई शक नहीं है, मंशा को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभय चौटाला जी आपकी पार्टी की भी यहाँ पर सरकार रही है, ऐसे में आपसे भी ये उम्मीदें जनता को है, अपेक्षाएं हैं कि आप भी मर्यादाओं के भीतर रहकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप व्यंग के तौर पर आप वार भी कर पाए और किसी को उस पर आपत्ति भी ना हो इस तरह की, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री वो अभी भी है। कि अगर आप मेरे सामने आकर नाचने लगेंगे तो मैं आपके लिए यही तो बोलूंगा कि आप मेरे सामने नाच रहे हैं जी। आप जिस तरीके की बातें करेंगे उसी तरीके की परिभाषा आपके ऊपर लागू की जाएगी। आपने जितनी भी बातें करी जी, एक भी ऐसी बात नहीं करी जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो सड़क पर उतर आए हैं लड़ने के लिए, बस उनका बस नहीं चल रहा है। इसीलिए हमारे खेल रत्न भाई अभय सिंह जी चौटाला ने ये बात रखी है कि उन्हें कहीं ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां उनकी दिमागी हालत ठीक। चलिए कृष्णमूर्ति उड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति उड्डा जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे आप? कृष्णमूर्ति जी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है। बताएं सर। तो मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुना है कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जी इनेलो के नेताओं ने, जो कि उनकी शैली है, उनकी भाषा है, वो किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार वो मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं जी। तो वे ये मुझे कोई अचंभा नहीं इन बातों से, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं वो उनका कैरेक्टर पता लगता है, आदमी का कैरेक्टर क्या है। जो आदमी कभी एमएलए रह चुका हो, जो आदमी एमएलए हो जी, या किसी बड़े पद पर हो पार्टी के, उसको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा किसी पार्टी का भी हो, वो हमारा माननीय होता है, आदरणीय होता है, और उसके बारे में कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं। और मुख्यमंत्री के लिए अगर ये किया जाता है, राजीव जेटली जी क्या कुछ कहेंगे आप कृष्णमूर्ति उड़ा के जवाब पर? मैं इनकी बात का इस तरीके से जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पक्ष रखा अपनी बात का कि मुख्यमंत्री आदरणीय होता है, सम्माननीय होते हैं, उसका सम्मान चाहे कोई भी राजनीतिक दलों से करना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं इनकी बात से, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जिसने सारी भाषाओं की सीमा ही लांघ दी हो, जिन्हें ये ना पता चलता हो कि वो बोल क्या रहे हैं, जिन्हें अपने से बड़े उम्र के लोगों का अंदाजा ना हो, जो टू तलाक से बात करते हो, ऐसे मुख्यमंत्री का कौन सम्मान करेगा ये बताएं पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि वो ओम प्रकाश चौटाला, मैंने उसको कहा तू ये कर सकता है, अरे आपकी क्या औकात है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने खड़े होने की? ठीक है ठीक है, राजीव जेटली साहब जवाब ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति उड्डा जी, कृष्णमूर्ति उड्डा जी, कांग्रेस पर अब यही आरोप लगने लगे कि मुख्यमंत्री पर जो बयानबाजी हो रही, दरअसल मुख्यमंत्री ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से अब ऐसी बयानबाजियां करना विपक्षियों के लिए जरूरत भी बन जाता है। देखिए ये हैसियत की बात करते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री बहुत भले आदमी है, शरीफ आदमी है, उन्होंने इनके राज में पता नहीं क्या क्या गलत काम हुए थे, एक भी काम की इंक्वायरी नहीं की। अगर एक भी काम की इनके वक्त इंक्वायरी करा देते जी, तो ये केस के सलाखों में बिके होते, और आज भी जी सरकार में अगर एक की भी जांच करा दे तो इनके सारे सारे नेतृत्व सकते हैं जी। चलिए ठीक है, जगमोहन आनंद से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जगमोहन आनंद जी, अब तमाम जो बहस चल रही है उसको आप किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जिनको पूरा दारोमदार लोकसभा चुनाव का था, हरियाणा चुनाव के अंदर भी वो यहाँ पर कैंपेनिंग करने आ गए हैं, ऐसे में अमित शाह ने जो बयानबाजी की है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? शुरुआत में भी मेरा सवाल आपसे यही रहा था कि जो मुजरा करने वाला बयान था, क्या जिस मुजरे का और जिस इंटेंशन को लेकर वो बोल रहे थे, इन शब्दों को जरूरी हो गया था इस शब्दों को बोलना? जगमोहन आनंद जी, जगमोहन आनंद जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन
जो चुनावी जंग में बेतुके बयानों की होड़ जो है लगातार बनी हुई है, राजीव जेटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली साहब, ना सिर्फ आपके पक्ष से बल्कि दूसरी पार्टियों से भी बयानबाजियां मुख्यमंत्री पर हो रही हैं, ये बात तो जायज है कि चुनाव है लिहाजा बयानबाजी होगी है, और मुख्यमंत्री चूंकि अभी सूबे का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व जो सरकार होती है उस पर आरोप लगते ही लगते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के दरबार में हुड्डा मुजरा करने जाते हैं, ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता को दिखाता है और जो एक गरिमा पद की होती है उसको कहीं ना कहीं डाउन करता है। नहीं, मैं आपके इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस तरीके के आंकड़े और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े पद पर होने के बाद जी, आप अपने सम्मानित नेताओं का अपमान सार्वजनिक मंच पर करते नजर आए हैं। जिन बातों को आप इनके पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री बोलते आए हैं जी, उन बातों को इन्होंने खारिज किया है, उसके बाद एक नई बात बीच में डाली है और नई बातें करने के चक्कर में, अपनी बातें रखने के चक्कर में वो अपनी पार्टी को दरकिनार करते जा रहे हैं जी। तो जब वो भाषण देते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण दे रहे हो, ऐसे लगता है कि वो कोई व्यक्तिगत अपने विचार रखना चाहते हो, और व्यक्तिगत विचार रखने की भी उन्हें पूरी आजादी है जी। लेकिन आपको पहले अंदाजा तो होना चाहिए, जिस प्रदेश में आप कभी आए नहीं हैं उस प्रदेश के बारे में आप बातें करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपना टाइम पास कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, ना उनके पास मुद्दे हैं जी, ना उनके पास कोई ऐसी बात है जो हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रख सके या कर सके या उन्हें दे सके जी। वो सिर्फ जो बयानबाजी, ठीक है राजीव जेटली साहब जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। जवाहर जी, इनेलो का कहना है कि मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास, और इस तरह से ये तभी सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं सीएम हुड्डा को लेकर कि सोनिया गांधी के दरबार में मुजरा करने हुड्डा जाते हैं। नहीं, ये किसने कहा कि मुद्दे नहीं है भाजपा के पास जी? राजीव जेटली इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ये लोग कह सकते हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुद्दे विकास के हैं, हमारे पास अवैध वसूली के मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे किसानों के हैं, हमारे पास फैक्ट्रियों के आगे गड्ढे खोदने के मुद्दे नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी कल्पना, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे यहाँ समय में फैक्ट्रियां दूसरे प्रदेशों में नहीं भागती। तो मुद्दों का अंतर है, उन किसी के लिए मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, हमारे लिए तो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के। लेकिन जवाहर जी, अगर आपके पास मुद्दे हैं और आपको लगता है कि आपकी सरकार बनेगी, तो फिर ऐसी बयानबाजी करना आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने में? अमित शाह चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही उससे वाहवाही, पीठ थपथपाई गई उनकी, उसके बाद हरियाणा में भी वो कैंपेनिंग करने आ रहे हैं, लेकिन सवाल दरअसल ये है, अगर आपके पास मुद्दे हैं तो फिर इस तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री को लेकर यह बयानबाजी है, मुख्यमंत्री पद की अपनी एक गरिमा है। देखिए, बयानबाजी किस लिए हुई? मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की गरिमा कहाँ पर तोड़ी? धान के विषय को लेकर इन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने जो निर्यात होता था उस पर प्रतिबंध लगाया, ये सफेद झूठ है। इसके लिए हमारे कृषि मंत्री भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके, किस नियम के तहत, कौन सा वो है, किस डेट को ऐसा अध्यादेश आया जब भारत सरकार ने ये कहा हो कि धान के निर्यात पर प्रतिबंध है, वो बताए। लेकिन जवाब जी, अगर आप पर आरोप लगे थे और वो बेबुनियाद थे तो उसका जवाब सभ्य भाषण में भी दिया जा सकता था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शायद मैंडेटरी नहीं था। इस सवाल पर, इस मुद्दे को लेकर मैं फौरन लौटूंगा सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन इवनिंग रिपोर्ट में बहस आगे भी जारी रहेगी। यहाँ ईमान बिकता है, हर खासो आम बिकता है, इस दौर के झूठे नेताओं में से नहीं हूं मैं, इतना विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के हक की लड़ाई में कभी झुकूंगा नहीं। हरियाणा फ्रेश, शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए।
हरियाणा फ्रेश एग बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। अरे भीमे। हाँ भाई। भाई के बाद आजकल बहुत खुश रहे हैं। भाई कांग्रेस सरकार ने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। भाई वो कैसे? भाई ईसा कानून बना दिया, एक दिन की मजदूरी में पूरे महीने भर का राशन आ जाए। भाई वो क्यों करे? भाई वो न्यू 2 रुपये किलो तो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिला है। अच्छा। और रही सही कसर हरियाणा सरकार ने मेट दी। भाई वो क्यों करे? भाई 2.5 किलो दाल हर महीने 20 रुपये किलो देके। अच्छा। और भाई मनरेगा की मजदूरी हरियाणा में 236 रुपये रोज मिले से। अच्छा। हाँ जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर चिंता करे हमारे दुश्मन। अच्छा। चाहे भी वासगुन योजना हो, इसमें देश में सबसे ज्यादा कन्यादान मिलता है, या बुढ़ापा अथवा विधवा पेंशन हो जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलती है, चाहे 100-100 गज के प्लाट देने का फैसला हो, और चाहे गरीब छात्रों ने देश में सबसे ज्यादा वजीफा देने की बात हो। भाई गरीब का साथ जितना हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने साथ दिया, उतना साथ ना किसी ने दिया और ना कोई देवे। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का, पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। गूंज उठी है रणभेरी, बच चुका है बिगुल, सबसे बड़े संग्राम का आरोपों के तरकश में बयानों के तीर बाहे चढ़ाए निकल पड़े हैं सियासी योद्धा। चुनावी समर में किसकी होगी जीत, कौन खाएगा मार? हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आओ बैठो जी। घर परिवार कुशल मंगल सब? हाँ जी सब ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लड़का क्या कर रहा है आजकल? लड़का जी गुड़गांव में इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग? हाँ जी। फिर तो बहुत पैसे लग गए होंगे। ना जी ना, फीस लगी है बस। फीस लगी थी? हाँ जी। एक बात बताऊँ आपको? हाँ जी। आप बहुत खुश नसीब हो। हाँ जी। 10 साल पहले मैंने अपने बेटे की इंजीनियरिंग करवाई थी साउथ से। अच्छा जी। 30 लाख डोनेशन दिया था, 30 लाख। अच्छा जी। आज तक कर्जा नहीं उतर लिया। आप ठीक कहते हो, वे दिन ही कुछ ऐसे थे, लेकिन जब से हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है, हरियाणा को शिक्षा का हब बना दिया है। वाह क्या बात है जी। अब चाहे आप बीटेक करो, अच्छा बीएड करो, जेबीटी करो, कोई भी कोर्स करो, कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, आज हरियाणा में कोने कोने में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों का जाल बिछा हुआ है। वाह। बच्चों के उज्जवल भविष्य की सोच के साथ सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, इसलिए युवाओं के उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं का हाथ कांग्रेस के साथ। हरियाणा वासियों, 15 अक्टूबर के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाएं। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस कोर्सेज, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. गर्भ में हत्या, हरियाणा का घटता लिंग अनुपात, ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। अब हरियाणा लोकहित पार्टी दिलाएगी इन मासूम परियों को जीने का हक।
5100 रुपए हर बेटी के जन्म पर, 1000 रुपए प्रति माह बेटी के जन्म से 18 साल की उम्र तक, और 1,51,000 बिटिया के ब्याह पर। चुने लोक हित की सरकार, हरियाणा लोक हित पार्टी। सरकार के हर दावे की परख, विरोधियों के वादों का सच, आपके बोलने का समय, दिल के जज्बात निकालने का वक्त। सियासी शोर में कहां है आपकी आवाज? जब कोई ना सुने आपकी बात, तो हरियाणा न्यूज है आपके साथ। हरियाणा की आवाज हर रोज रात 10:30 बजे। जब नेता मजबूत होता है ना, तो कहता है ना खाएगा ना खाने देगा, और भ्रष्टाचार से तो निपटना होगा, और वो इस बार हम करेंगे। जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी, तो किसी भी फाइल पे वजन नहीं डालना पड़ेगा। इब जाग उठाया हरियाणा, इब तो कमल का बटन दबाएंगे और भाजपा ने लाएंगे। बदले हरियाणा के हालात, चलो चलें मोदी के साथ। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ इनेलो से राजीव जेटली जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जवाहर यादव को आपने सुना, आपके जवाब पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब बयानों को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जरूरी हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए और बीजेपी पर जिस तरीके से निशाना पिछले दिनों में मुख्यमंत्री साहब ने साधा था, तो उस वजह से ये जरूरी है ऐसी बयानबाजी। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं इनकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि मैं भूल जाता हूँ, मैं कांग्रेस का झूठे प्रचार का जो एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पर आता है उसे देख रहा हूँ, या भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान सुन रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है पूरा का पूरा बयान ही एक एडवर्टीजमेंट से कॉपी करके यहाँ बोल दिया जाता है। जी, अगर इन्हें ऐसा बयान देना है तो ये बताएं कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जी, उसका नाम बताएं, या कोई FIR हमारे नाम पर लॉक हो उसे, उस FIR का जिक्र करें जिसमें हम पर इल्जाम लगाया गया हो कि हमने किसी से फिरौती मांगी है या हमने किसी से कोई गाड़ी खींची है। जैसा ये कांग्रेस के प्रचार का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी को चलाना चाहते हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये पार्टी मुद्दा विहीन है, इनके पास अपनी कोई बात करने के लिए नहीं है। अगर ये कह दावा देते हैं या दावा करते हैं तो दावों को वो सबूत के साथ सामने पेश करें, हम इनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी अर्ज जरूर करेंगे कि अपने मुद्दे खुद ढूंढिए, कांग्रेस के झूठे प्रचार की जो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट आती है उसके सहारे अपनी पार्टी को ना चलाएं, खुद बताएं अगर उनके साथ कोई ऐसा कर्म हुआ है या इन्होंने कहीं भुगत भोगी रहे हैं या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है तो उसे सामने लेकर आए हमारे, उसके बाद ही इन बातों की बातें करें, फिर दावे करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जेटली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित शाह ने सीएम हुड्डा पर भी विवादित बयान दिया है, आखिर सत्ता पाने के लिए ये सब बयानबाजियां की जा रही हैं, ये सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं, सुर्खियों में बने रहने की कवायद क्या है इस तरह की बयानबाजी देने के पीछे? और ऐसे में जो बड़े नेता हैं जिनका नाम हरियाणा की राजनीति में रहा है और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय फलक पर भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, चेहरा बन चुके हैं, वो जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो वाकई में एक बेहद गंभीर सवाल उठना शुरू हो जाता है, गंभीर मैसेज भी चला जाता है। और मुख्यमंत्री पर चुके जब बयान दिया गया हो तो मुख्यमंत्री पद की अपनी एक गरिमा है, अपना एक स्थान है, आखिर उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी कहां तक जायज है? ऐसी बयानबाजी, ऐसी हल्की बयानबाजी जिससे कि वाकई में अलग और गलत संदेश राजनीति के अंदर जाता है। हालांकि चुनावी माहौल है, सरगर्मियां बढ़ना लाजमी है, एक के बाद एक ऐसे बयान आने जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि तमाम राजनीतिक दलों से आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा ही, लेकिन जब आरोप प्रत्यारोप को इन शब्दों में गढ़ा जाता है, ऐसे विवादास्पद शब्दों में गढ़ा जाता है, और वो भी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, वो भी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी होता है, क्या सत्ता की चाहत में मर्यादाओं को भूल बैठे हैं तमाम नेता? इसी के साथ आज के लिए इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।